सो हेलो गाइस, वेलकम बैक विद द न्यू वीडियो। दोस्तों यहाँ पर प्रिंस नेहरुला का भी अभिषेक को लेकर काफी सपोर्ट आ चुका है, एंड वहीं पर दूसरी तरफ प्रिंस नेहरुला समर्थ के ऊपर भी काफी ज्यादा भड़के हुए हैं। और जैसा कि बिग बॉस के परसों वाले एपिसोड में आपने देखा ही होगा कि समर्थ ने अभिषेक को बहुत ही गंदे वाला पोक किया था, मतलब कि समर्थ अभिषेक को पर्सनल लेवल तक पोक करने लग गए थे। और समर्थ अभिषेक को ये भी बोलने लग गए थे कि तू अपने बाप का मेंटल लौंडा है, क्योंकि अपना आधा इलाज छोड़कर बिग बॉस के शो में आ रखा है, जाके अपना इलाज करवा पूरा। तो गाइस इन्हीं सभी चीजों को लेकर प्रिंस नेहरुला समर्थ के ऊपर काफी ज्यादा भड़के हुए हैं, एंड प्रिंस नेहरुला कल अपने इंस्टाग्राम पर आए थे और उन्होंने समर्थ के बारे में क्या कहा है वहाँ पर आप लोग खुद देखिए। क्योंकि अभी जो वो बाप के ऊपर पहुंच रहे हैं, क्योंकि अभी भी उसने संयम नहीं खोया, अभी कुछ नहीं किया। अगर मैं घर पे हूँ, मेरे बाप के ऊपर तुम पहुंच रहे हो, तो मैं तो तुम्हें धरती के अंदर ही गाड़ दूं भाई। बिल्कुल, मुझे शो से निकलना कितना पड़े, मैं तो तुम्हें उजाड़ दूं, बीच में से फाड़ दूं, फिर बताऊं तुम्हें भाई तो है कौन, है ना। पर अभी सारा कुछ नहीं करता, यू नो। बिल्कुल, वो तो यू नो अभी वो छोटा है ना, कभी मेंटल हेल्थ से निकला नहीं ना। अगर मेंटल हेल्थ से निकले तो उसको पता हो कि मेंटल हेल्थ होती क्या है। और ये जो मतलब अंकिता की मैं बाय से डिनाई करूंगा कि उसने बोला कि ये झूठ बोल रहा है कि क्लोस्ट्रोपोबिक नहीं है। अब तुम्हें कैसे पता कि वो नहीं है, उसका कौन कौन सा तरीका होता है तुम्हें बताने का? जो अगर वो गला पकड़ के बैठ जाएगा तो तुम्हें लगता है कि तभी तुम बिलीव करोगे कि वो क्लोस्ट्रोपोबिक है, यू नो। और अलग अलग किसी को एंग्जाइटी भी होती है, वो अलग अलग तरह की होती है। किसी को किसी भी टाइम आ जाती है, किसी को सिचुएशनल आती है, ठीक है, किसी को कुछ सोच के आती है, यू नो। तो इसका कोई एक तरीका नहीं होता, रीजन नहीं होता, अलग अलग रीजन होते हैं हर चीज के, बीमारी के। तो तुम्हें क्या पता वो किस किस चीज से निकल रहा है। तो अगर तुम उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हो उस चीजों में और तुम बोल रहे हो कि हाँ वो झूठ बोल रहा था लग रहा है, तो आई थिंक तुम गलत जगह। बाकी गाइस, आप लोग बिग बॉस के अंदर अभिषेक और समर्थ में से किसे ज्यादा सपोर्ट कर रहे हो, अपने ओपिनियन नीचे कमेंट कर जरूर बताना। और गाइस आज के लिए बस इतने अपडेट था, जल्दी लौटूंगा नेक्स्ट अपडेट साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज बिल्कुल ना भूलें।